सिटी न्यूज़ ने इस घटना के जिस तरीके से लगातार सीरीज चलाई थी, सीरीज के बाद जो है अब उसके परिणाम आने लगे हैं। आज अचानक यहां पर सीपीआई सीपीएम आप हक है और यादव संघ ने आकर के धरना मोर्चा दे दिया, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी लगाई, जिसके बाद यहां पर नायगांव के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक आए और उन्होंने प्रशासन के सारे वरिष्ठ अधिकारियों को और यहाँ के यूनियन के नेता, इसके अलावा यादव समाज के नेताओं को एक साथ बिठा करके बात की। इस वक्त मेरे साथ में के नारायण है, उनसे जानते हैं क्या बात हुई, क्या कहेंगे आप? जी मैं सेंट्रल ऑफ इंडियन यूनियन ट्रेड यूनियन का मुंबई का अध्यक्ष है, उसके साथ ही बांधकाम नाका मजदूर संगठन का भी मुंबई का अध्यक्ष है। जिस तरह से आज जिस तरह से इधर धरना आंदोलन चालू हो गया, 11 दिन से ये परिवार जिस तरह से इधर जो पड़ा हुआ है और उनका कोई देखने के लिए तैयार नहीं होते, आज जिस तरह से स्लोगन बाकी चालू होने के बाद में जिस तरह से एनडीआरएफ का लोग सामने आया, सीनियर इंस्पेक्टर सामने आया, एमएमआरडीए का लोग सामने आया, एलएनटी का लोग इंजीनियर लोग सामने आया, तो इन लोगों को ये परिवार को उचित मुआवजा देने के लिए बातचीत किया। वो कितना दिन का देगा वो हमारे सामने रखना चाहिए बोला, बोले बोला हम लोग 2 दिन के अंदर उसका परिवार के अंदर ट्रांसफर करेगा, 50 लाख रुपया उसका परिवार के अंदर ट्रांसफर करेगा, ये आश्वासन आज इधर रखे दिया गया था। अगर ये आश्वासन से जिस तरह से एमएमआरडीए और लार्सन टूर पर पलट जाएगा, ये सेंट्रल ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन होने दो, बांधकाम नाका कामगार यूनियन होने दो, एलएनटी को भी नहीं छोड़ेगा, हम आगे का जो कार्यक्रम के अंदर से हम आगे लड़ेगा, इस परिवार का दुखी का साथ में हम लोग भी उसका साथ में हैं। इस परिवार को उसका बीवी और उसका 3 बच्चा है, उसका पिताजी है, ये लोगों का भविष्य बनाने के लिए ये पूरा पैसा का इस्तेमाल होना चाहिए। ये लोगों को औरत और उसका पिताजी, औरत और बच्चा लोग का फिक्स डिपॉजिट में ये पैसा जाना चाहिए, उसका सीनियर सिटीजन है, उसका पिताजी, उसका भी ये पूरा जो एमएमआरडी का उसका साथ में जिम्मेदारी है, एमएमआरडी है और एलएनटी का, इसका औरत उसका बच्चा लोग का नाम पे फिक्स डिपॉजिट में पूरी 50 लाख रुपए का डिविडेशन करके डालने का जवाबदारी है, सिर्फ अकेला पिताजी को देगा तो नहीं चलेगा। धन्यवाद। देखिए सबसे पहले आप आए थे और सुबह से फिर यहाँ पर हो, क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने जिस तरीके से इसको फॉलोअप किया, उसके वजह से ही हमको पता चला कि अभी तक 10-11 दिन हो गए और शरीर को निकाला नहीं गया और परिवार वालों के साथ भी ठीक बर्ताव नहीं किया जा रहा है। तो आज सुबह जैसा कमेंट नारायण ने बताया है कि मुआवजे को लेकर बात हो गई है, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर बात हो गई है, आश्वासन दिया एनडीआरएफ की टीम ने कि 2 दिन के अंदर उनको उम्मीद है कि जो मृतक शरीर है उनको निकाल दिया जाएगा और 2 दिन के अंदर ही उनको कंपेंसेशन भी 50 लाख का पूरा प्रोसेस करेंगे। हालांकि कंपेंसेशन वाला एक्टिविटी पहले हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ है, ये साफ जाहिर है कि किस तरीके का प्रशासन रवैया है गरीब लोग, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। तो मुझे लगता है हम अभी भी कॉन्टैक्ट में रहेंगे और 2 दिन कल हम रहेंगे यहीं पर, आना जाना रहेगा, बाजू में रहते हम, तो 2 दिन के अंदर अगर नहीं होता तो दोबारा इससे बड़ी तादाद में लोगों को लाकर धरना आंदोलन करने का काम हम यहाँ पर करेंगे। सिटी न्यूज़ का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस तरीके से उन्होंने इस मजदूर की आवाज़ को उठाकर और इनके परिवार वालों को न्याय दिलाने का काम किया, वाकई तारीफ करने के काबिल है, क्योंकि लगातार जब तक इनको न्याय नहीं मिला तब तक वो लगातार इस न्यूज़ को कंटिन्यू बनाए रखे और आज सभी डिपार्टमेंट के लोगों ने आकर हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इनको मुआवजा और बॉडी भी जो उनकी अभी भी दबी हुई है 11 दिनों से वो निकाल ली जाएगी, और ये आश्वासन उन्होंने हम लोगों को दिया है। आने वाले समय में हम लोग इस पूरे घटना के ऊपर ध्यान लगाए हुए हैं, नज़र बनाए हुए हैं, जल्द ही जो अभी इनका मुआवजा है इनको मिल जाएगा और इन परिवार वालों के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं और सिटी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना इनकी राय और विचार, पीड़ित को पूरी तरीके से इंसाफ दिलाने के लिए डटे रहे, प्रशासन को झुकाया है और राकेश यादव को 50 लाख रुपया मुआवजा देने की मांग भी की थी जिसे मंजूर किया गया है। बताया जा रहा है कि 2 दिन में उनको इस संदर्भ में बच्चों के उनके बीवी के अकाउंट में पैसा आ जाएगा, इस तरीके की बात की। अब देखना यह है कि आश्वासन तो दिया है, क्या वाकई में 2 दिन में इनको मुआवजा मिलेगा या फिर सरकारी कारोबार